साहब ये देखिए आपके नहाते हुए का वीडियो। ये क्या घटिया हरकत है, किसने किया ये सब? मेरे नहाते हुए का वीडियो किसने रिकॉर्ड किया और तेरे फोन में कैसे, क्या चल रहा है ये सब? ये वीडियो मैंने बनाया साहब आपका। तुमने? क्या घटिया हरकत किया तूने? क्यों बनाया मेरा वीडियो? क्या चाहती है तू? क्या ये सब? आपके साथ थोड़े हसीन पल गुजारना चाहती हूँ साहब। तेरा दिमाग खिसक गया क्या? तू पागल है? सुबह सुबह चढ़ा के आई क्या? हाँ साहब चढ़ा हुआ है। आपके प्यार का भूत साहब, मैं चाहती हूँ आप अपनी बीवी को जैसे प्यार करते हो, जैसे उन्हें महंगे मॉल में लेकर जाते हो, बिल्कुल वैसे ही मुझसे भी प्यार करो। मुझे भी महंगे मॉल में लेकर जाओ, शॉपिंग कराओ और बिस्तर पर मेरे साथ भी। मुझे लगता है सच में तू बीमार हो गया। तेरे को पता भी है तू क्या बोल रही है? तू पागल हो चुकी है। जो तूने हरकत करी है ना, मैं गली गली जाके सबको ये बात बताने वाला हूँ। कर ले जो तुझे करना है। देखो साहब, मुझे ना इंटरनेट चलाना अच्छे से आ गया। इससे पहले कि मैं आपका वीडियो वायरल करूं, बेहतर है कि आप मेरे साथ थोड़े से मजे लूट लो। देख कांता, मैं तेरे साथ ये घटिया हरकत नहीं करने वाला। तेरा जो जी में है तू वो कर, मैं तेरे साथ कुछ नहीं करने वाला। मैं सच कह रही हूँ साहब, आपका वीडियो वायरल कर दूंगी, जगह जगह बदनाम हो जाओगे और कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तू क्यों कर रही है ये सब? क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? दरअसल साहब, मेरी जिंदगी में प्यार की बहुत कमी रही है, मुझे कभी प्यार ही नहीं मिला। और आप जिस तरीके से मालकिन से प्यार करते हो, बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, मैं तेरे साथ वो सब करने को तैयार हूँ जो तू चाहती है, जो तेरा जी चाहता है, लेकिन उसके बाद तुझे ये वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। हाँ हाँ साहब, उसकी टेंशन ना लो, वो मैं डिलीट कर दूंगी। और ये बात कहीं बार पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली मेरी बीवी को। वैसे भी मालकिन घर पर तो है नहीं 2 दिन के लिए, तो मैं आपके साथ यहीं पर रहूंगी। हाँ ठीक है, मैं अभी थोड़ा जरूरी मीटिंग में जाना है मुझे, मैं 2 घंटे बाद वापस आता हूँ, फिर तेरा जैसे मन होगा वही सब करेंगे। ठीक है, प्लीज समझियो, मैं थोड़ा जरूरी काम से जा रहा हूँ, वापस आके मैं तेरे साथ ही रहने वाला। ठीक है साहब, आप जाइए काम खत्म करके आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। साहब क्या है ना कि आप तो 2 घंटे बाद आओगे, मैं पीछे से घर पे बोर हो जाऊंगी, जरा 10,000 रुपये देना, मैं थोड़ी शॉपिंग कराती हूँ अपने लिए। 10,000? हाँ मैं अभी देता हूँ। ये लो। ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे साहब आप इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ वो मैं काम से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था। और होगी तुम्हारी शॉपिंग? जी साहब। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता। नहीं नहीं साहब, आप क्यों लाएंगे, मैं लेकर आती हूँ ना पानी आपके लिए, आप बैठिए। अरे मैं लेके आता हूँ पानी। तुमने क्या बोला था मुझे कि तुम चाहती हो मैं तुम्हें मालकिन की तरह ट्रीट करूँ, उनकी तरह ही प्यार करूँ, सब कुछ उनके जैसे करूँ जो मैं उनके लिए करता हूँ। तो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ठीक है साहब, खुश कर दिया आपने। हेलो। ओ सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आपके तो सारे कपड़े खराब हो गए, वो पता नहीं मेरे हाथ से कैसे स्लिप हो गया ग्लास। अरे कोई बात नहीं साहब, मैं समझती हूँ, आपको काम करने की आदत नहीं है ना। एक काम करो, तुम जाके ना साड़ी चेंज कर लो, मैं तुम्हें मालकिन वाली नाइटी देता हूँ, तुम वही पहन के आ जाओ, क्योंकि इसके बाद तो हमें वैसे भी इंजॉय ही करना है। ठीक है साहब। आओ मैं तुम्हें चेंज करवा देता, इसे पहन के आओ।
अब ये क्या है? तुम्हारा साड़ी उतारते का और ये नाइटी पहनते का वीडियो। साहब डिलीट कीजिए इसे, किसने देख लिया तो मेरी इज्जत। साहब प्लीज इसे डिलीट कर दीजिए अभी फोन से। क्यों डिलीट करूं? मुझे भी ना इंटरनेट बहुत अच्छे से चलाना आता है। कर दूं तुम्हें वायरल, कर दूं फेमस तुम्हें भी। कितना डर लग रहा है ना तुम्हें? तुम्हारी इज्जत तुम्हारी, क्योंकि तुम लड़की हो और हम लड़कों की कोई इज्जत नहीं है। थोड़ी देर पहले तुम मेरी भी इज्जत को ऐसे उछालने चली थी, तब नहीं सोचा? साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आइंदा फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। इसे डिलीट कर दीजिए फोन से। कर दूंगा ये वीडियो डिलीट, लेकिन बदले में पहले तुम्हें मेरी वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। चलो वीडियो डिलीट करो। ये लीजिए साहब, कर दिया वीडियो डिलीट। इसको अपना रिसाइकल से भी करो डिलीट। लो अब तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा वीडियो भी डिलीट करता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारी ये वीडियो बनाने का, तुमने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तुम लड़कियों को ना अपनी इज्जत इज्जत लगती है, लड़कों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। जैसे हम लड़के लोग तुम लड़कियों की इज्जत का ख्याल रखते हैं ना, वैसे तुम लड़कियों को भी लड़कों की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं चाहता तो जगह जगह गली गली जाके तुम्हारी करतूत के बारे में सबको बताता, लेकिन नहीं, मुझे लड़कियों की इज्जत करना आता। और जैसे हम लड़कों को तुम लड़कियों की इज्जत करना आता ना, तुम लड़कियों को भी लड़कों की इज्जत करना चाहिए, क्योंकि हम भी किसी के बेटे, हम भी किसी के पति हैं, हम भी किसी के भाई हैं। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। छोड़, इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं, पर आइंदा ऐसी गलती कभी दोबारा मत करना। अपने कपड़े चेंज कर लो।